नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक और सियासी मौसम मौसमी के साथ में मौसम सुहाना हो चला है, मानसून सत्र चल रहा है और झमाझम बारिश का एहसास आज असल में हो रहा है। बहरहाल सियासी मौसम की बात करते हैं और क्या खूब कहा है शायर ने कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। लेकिन आज शायरों के शायर इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हमारे साथ हैं, तो हमारी शायरी उनके सामने फीकी पड़ने वाली है। और इस चर्चा में हमारे साथ जगदम्बिका पाल जुड़ेंगे, बीजेपी के वरिष्ठ सांसद ऐश्वर्या पालिवार उधर कोने में मोर्चा संभाली हुई हैं, पूरी महिला अधिकार की तख्ती भी वो अपने साथ लेके आई हैं। बहरहाल आप देख रहे हैं उनकी मुस्कान से कि बहुत कुछ उनको कहना है और तभी बात चर्चा ले आते हैं हम असल मुद्दे पर। संसद में घमासान एक तरफ मचा हुआ है, विपक्ष हाहाकार मचा रहा है, सस्पेंशन का माहौल जो है वो मंडरा रहा था, लेकिन एकाएक सुबह भाजपा के नेता जो है वो प्रदर्शन करने लगते हैं। एक तरफ विपक्ष का प्रदर्शन और दूसरी तरफ भाजपा सांसद यानी कि रूलिंग पार्टी के सांसद नारे लगाते हुए कांग्रेस सांसदों के सामने से गुजरते हैं। गेट नंबर एक पर कांग्रेस के सांसद थे, उसके आगे चले आइए तो गांधी प्रतिमा पे सस्पेंडेड सांसद थे। सबको लगा एकाएक अरे ये क्या हो गया, और फिर मामला गरमाया जो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं लोकसभा में, वो जो उन्होंने कह दिया उसको लेके मामला गरमाया हुआ है। उन्होंने एक टिप्पणी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा के लिए जो कि अभद्र थी, और उसको लेके बीजेपी ने चारों तरफ से घेर लिया कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी है और सवाल सीधे मांगा गया है सोनिया गांधी से। सबसे पहले इमरान प्रतापगढ़ी से इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। इमरान साहब, मौसम तो सुहाना हो गया है पर अंदर सियासी मौसम बिल्कुल आपके लिए अनुकूल नहीं है। नहीं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, देश की जनता के लिए अनुकूल नहीं है। पकड़ ले आप, हम तमाम सांसद विपक्ष के, खासतौर से कांग्रेस के, हम ये चाहते हैं कि सदन में महंगाई पर बात हो, क्योंकि सत्र शुरू होने से बिल्कुल पहले आपने जीएसटी बढ़ा दी और ऐसी ऐसी चीज़ों पे बढ़ा दी जिन पे कभी जीएसटी जैसा कुछ नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम रहा, टैक्स बहुत कम रहा। वो खान पान की चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, आपने दूध पे, छाछ पे, पनीर पे, आटा, चावल, दाल, यहाँ तक कि पेंसिल तक पे आपने जीएसटी लगा दी, महंगा कर दिया सब कुछ। सदन में हम चाहते हैं कि उस पर बात हो, लेकिन सरकार रत्ती भर भी सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में कहते हैं कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष चर्चा नहीं करवा रहा है। सदन में चर्चा करवाने की जिम्मेदारी सरकार की है। आप आइए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करिए। यकीनन विपक्ष तो छोड़िए, देश की जनता के लिए मौसम अच्छा नहीं है। ये महंगाइयों का मौसम है, बाहर बारिश बरस रही है और पूरे देश में महंगाई बरस रही है। इमरान साहब, ये जो नया मामला आ गया, अधीर रंजन चौधरी ने जो बोला है राष्ट्रपति साहिबा को राष्ट्रपत्नी के तौर पे इस तरह से अभद्र टिप्पणी की, तो ये मामला तो भी गंभीर है। नहीं, पहली बात तो ये कि अधीर रंजन चौधरी जी बंगाल से आते हैं और बंगाल में आप जेंडर का जो मामला है, वहाँ की जो भाषा है वो, उनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, वो बंगला और हिंदी मिक्स करके बोलते हैं, और इस यही बोलने का मतलब उनका इंटेंशन ना तो गलत था तो वो ये शब्द बोल गए और बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांग ली एक तरह से। ऐसे में भाजपा का ये आरोप, नारे लगाना उसके लिए कि उन्होंने अपमान किया, कांग्रेस राष्ट्रपति पद की गरिमा, किसी महिला की गरिमा कांग्रेस से बेहतर कौन समझता होगा? जिस कांग्रेस ने इस देश को पहली महिला राष्ट्रपति दिया, आप उस पर महिला विरोधी होने का अपमान आरोप लगा रहे हैं। जिस कांग्रेस ने इस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दिया, आप उस कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि हम महिला विरोधी हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? बेकसूरी पे कुछ अर्ज कर दीजिए। नहीं, हमारी बेकसूरी है ये कि देखिए भारतीय जनता पार्टी सदन की सत्र की शुरुआत से घिरी हुई है, रोज उन्हें मजबूर होकर के भागना पड़ता है, सदन छोड़ना पड़ता है। मैं पहली बार सांसद बना हूँ, मैं बड़े सपने लेकर के सदन में आया हूँ। मैं सोचता था कि मैं जाऊँगा, बेरोजगारी पे बात करूँगा, महंगाई पे बात करूँगा, नौजवानों के मुद्दों पे बात करूँगा, अग्निपथ पे बात करूँगा, लोगों के टूटते हुए घरों पे बात करूँगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि दो मिनट, ढाई मिनट, तीन मिनट सदन स्थगित,
एक मिनट सदन स्थगित, मतलब किसी को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। मौका मिल रहा है यहाँ पे, तो अर्ज कर दीजिए अपने शायर। देखिए किसी का एक शेर है कि कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, जवां दराजों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। बस सरकार ये चाहती है कि कोई बात ना करे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपको बात करनी पड़ेगी। हमारे नारे क्या हैं? महंगाई पर चर्चा हो, हमारे नारे क्या हैं? जीएसटी पर चर्चा हो, आटा चावल पे चर्चा। आप हमारे सारे नारे उठा के देखिए। अब इनको लग रहा है कि हम 8 दिन से 9 दिन से घिरे हुए हैं, तो निकलें कहाँ से? तो अधीर रंजन चौधरी जी की एक बात पकड़ के आज उस पर एतराज करते हुए घूम रहे हैं, और एतराज करते करते आज भारतीय जनता पार्टी की मंत्री स्मृति ईरानी जी ने जिस तरह से सोनिया गांधी जी के साथ अभद्र व्यवहार किया है, असल में महिला विरोध ये है, असल में दुर्व्यवहार ये है जो आज भारतीय जनता पार्टी की एक नेता ने सोनिया जी के साथ किया। तो बाकी लोग से भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन स्मृति ईरानी का जिक्र चला आया है, तो स्मृति ईरानी आज संसद में गर्जी भी और बरसी भी। उन्होंने जमकर कांग्रेस पार्टी को घेरा और उनके निशाने पर सीधे सोनिया गांधी थी। चलिए सुनते हैं क्या कहा स्मृति ईरानी ने। अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री, सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ पुअर वुमन हु वाज सेंट टू द हाइएस्ट office in this country, you sanction the insult of every Indian citizen, you to your male Congress workers and leaders have continued to demean the office of the President of India, apologize to the nation, maafi mango is desh se, maafi mango Sonia Gandhi adivasiyon se, maafi mango auton se, maafi mango gareeb se, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष के सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा, अध्यक्ष महोदय मूल्य विहीन संचार विहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने सुना कि किस तरह से स्मृति ईरानी एकदम लामबंद थी, हमलावर थी, और लगातार सोनिया गांधी पर उनका निशाना था। हमारे साथ अनीशा जुड़ गई हैं जो लीगल बीट कवर करती हैं और महिलाओं के मुद्दों को लेके बहुत ज़्यादा सक्रिय है। सबसे पहले जगदम्बिका पाल साहब से रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि आपने दाद दी नहीं दी इनके शेर पर, क्योंकि सीधे कटाक्ष और निशाना आप लोग पर था। देखिए इमरान प्रताप गढ़ी जी शायर हैं, तो जो उनका अंदाजे बयां होगा वो उसी शायराना अंदाज में चाशनी लगा के करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि मतलब हम महंगाई पे डिबेट करना चाहते हैं, बेरोजगारी पे करना चाहते हैं, जीएसटी पे करना चाहते हैं, और पूरे देश के सामने कह रहे हैं कि हम पहली बार आए, उनको मुबारकबाद है, और हम रोज़ मेरे आँखों में सपना है, मेरी तमन्ना है कि मैं कब शरीक हूँ उस डिबेट में। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर कल की लोकसभा तो तुमने भी कवर किया होगा। कल खड़े होकर के प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कोविड से भी ठीक होकर आ गई हैं, स्पीकर साहब आज ही महंगाई पर चर्चा करा दीजिए। कल तो ये सदन की प्रोसीडिंग में है, और जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर खड़े होकर के कह रहे हैं कि ये लोग बेल से उधर चले जाएँ, और अब आज सदन में हम सरकार तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है,
और खुद वित्त मंत्री, आखिर महंगाई के सवाल पे देश के वित्त मंत्री को ही जवाब देना, और आज आप मुकर्रर कर दिए। लेकिन कल भी सदन नहीं चलने दिया, इसलिए नहीं चलने दिया नहीं, पर आज आप लोग हंगामा कर रहे हैं। मेरा मतलब आज मुद्दा ये है कि जिस तरह से जो टिप्पणी किया अधीर रंजन चौधरी ने, उन्होंने बोल दिया कि मेरे से चूक हो गई, मतलब मैंने एक ही बार गलती की थी, बोला था कि ये हटा दो, मीडिया ने हटाया नहीं। अच्छा ये बताइए, इमरान साहब भी लिटरेरी आदमी हैं, आप सब लोग भी जानती हैं, कि क्या ये पहली बार हो सकते हैं? देखिए अधीर रंजन चौधरी का कौन सी, मुझे लगता है सातवीं बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब सातवीं बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बड़े फक्र से इन्होंने कहा कि हमने भारत में पहली राष्ट्रपति दिया, पहला प्रधानमंत्री दिया। तो क्या जब पहली बार राष्ट्रपति बनी प्रतिभा पाटिल जी, तो उनके लिए भी कभी संबोधन कांग्रेस के किसी नेता ने किया कि राष्ट्रपति पत्नी के रूप में? तो मुझे लगता है कि सातवीं बार उनको इस बात की तो जानकारी होगी कि राष्ट्रपति केवल देश का एक संविधान का सर्वोच्च पद है, और उस सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति को उस पद की कोई संज्ञा नहीं होती। और मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस पार्टी का नेता बनाया गया है तो उनको संविधान का तो ज्ञान होगा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का तो ज्ञान होगा। 1949 में जवाहरलाल नेहरू ने इस पर डिबेट किया था, पूरी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने डिबेट किया था कि राष्ट्रपति के पद पर अगर कहीं महिला हो गई तो उसको क्या राष्ट्रपति कहेंगे? तो फिर पूरी डिबेट हुई, इस पे हुआ कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कुलपति होगा तो क्या अगर महिला हो गई तो कुलपत्नी होगी? तो एक तय हुआ पूरे डिबेट के बाद कि नहीं, ये पद है, पद पे मेल हो या फीमेल हो तो उस पद से ही उसको होगा। तो आज इतनी बहस के बाद जिसने संविधान दिया देश के, और उस बहस की 1949 के बाद ये राष्ट्रपति का पद हो गया। तो आदरणीय चाहे प्रतिभा पाटिल जी थी, वो भी देश की महामहिम राष्ट्रपति थी, आज चाहे एक आदिवासी एक महिला से, तो मैं ये नहीं मानता हूँ ये जानबूझ के कहा गया है, इसलिए कि एक आदिवासी थी, एक गरीब परिवार से, एक मयूरभंज उड़ीसा के आई हैं ऐसी महिला, जानबूझ के कहा गया। इस पे क्विक रिएक्शन आपसे ले लेंगे। आप वो बाइट उठा के देखिए जिसमें अधीर रंजन चौधरी जी बोल रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना, इस देश में हजारों तरह की बोलियां हैं, लोक भाषाएं हैं, उनमें आप जेंडर को लेकर के इस तरह से बहस नहीं कर सकते। और अंततोगत्वा अधीर रंजन चौधरी जी ने कह भी दिया कि ये स्लिप ऑफ टंग था, मेरी जबान फिसल गई, मैं एक तरह से उन्होंने माफी भी मांग ली। उसके बाद अब उस बात को मुद्दा बनाना, उसके लिए मोर्चा निकालना, आप सीधे सीधे चलिए अधीर रंजन चौधरी ने अगर एक गलती की तो माफी मांग ली, वित्त मंत्री जी ने देश को महंगाई के नाम पर क्या कुछ नहीं परोस दिया है, ऐसे में क्या ये सरकार महंगाई के लिए देश की जनता से माफी मांगने को तैयार है? आप एक बात तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे ये बताइए कि आप महंगाई के मुद्दे से भाग क्यों रहे? एक आज की एक बात उठा करके आप सदन, आज तो सदन आप नहीं चलने दे रहे एक तरह से ना, जिस तरह से राज्यसभा में मैं चश्मदीद रहा हूं, जिस तरह से आज सत्ता पक्ष के लोग नारे लगा रहे हैं, आप दूसरों को मर्यादा सिखाते हैं, दूसरों को आप गरिमा सिखाते हैं, और सदन को किस तरह से आप खुद नहीं चलने दे रहे हैं, आप क्यों नहीं महंगाई पर बात करते? निर्मला जी आ गई हैं, कल तक आपने जिन जिन सांसदों को सस्पेंड किया है जो महंगाई के लिए नारे लगा रहे थे, आप उनका सस्पेंशन बहाल करिए, और बहाल करने के बाद चर्चा शुरू कराइए। हम तो यही चाहते हैं कि आप चर्चा करिए ना, लेकिन आप चर्चा से भाग रहे हैं, ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। आपने दूध दही बटर मक्खन किस तक पे जीएसटी नहीं लगा दी, भगवान श्री कृष्ण के पसंदीदा जो भोजन थे, जो उनके खाद्य पदार्थ थे, आप बात करते हैं धार्मिक प्रतीक चिन्हों को लेकर के चलने की, तो मुझे बताइए कि आप जो है भगवान श्री कृष्ण के पसंदीदा जो खाद्य पदार्थ थे उन तक पर जीएसटी लगा दी आपने, उन तक को महंगा कर दिया आपने, ऐसे में आप नैतिकता की बात कैसे कर सकते हैं? अच्छा मैं कि अगर हम महंगाई पे चर्चा भी करना चाहें तो इन्होंने क्या शर्त रख दी कि जो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड हुए हैं उनको आप बहाल करिए। इनसे पूछिए कि इन्होंने नहीं लगाई, विपक्ष ने तो कहा ही है, ये तो कंडीशन है, ये कल ही बात हुई, ये भी विपक्ष के ही हैं, और इन्होंने आपके इस समय डिबेट पे कह रहे हैं, तो इसलिए मैं इनका उल्लेख कर रहा हूँ, मेरे साथ बैठे हैं कि अभी कहा ना, इसलिए मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि उनकी उनकी जो सस्पेंशन है उसको बहाल किया जाए, और फिर हो तो इसका मतलब चर्चा महंगाई पर नहीं करना चाहिए। मान लीजिए चार लोग अगर सस्पेंड हैं, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स पार्लियामेंट नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, 24 से ज़्यादा लोग सस्पेंड हैं, मेरी बात पूरी हो जाए, फिर 24 लोग सस्पेंड हो गए पाल साहब, 19 जो है हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 19 लोग एक साथ सस्पेंड हुए, राज्यसभा से आज तीन और हुए, तीन और दो आम आदमी पार्टी के और एक और सस्पेंड, 27 हो गया। मौसमी आप इतने वर्षों से लोकसभा राज्यसभा कवर कर रही हैं
क्या लोकसभा राज्यसभा में किसी का सस्पेंशन होता है तो उसको सरकार बहाल करेगी, या सस्पेंशन करने का काम सरकार का है, या हाउस के चेयरमैन हैं मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जी या स्पीकर साहब, और वो स्पीकर ये कस्टोडियन ऑफ द गार्जियन किस पर सस्पेंड किया? जरा मैं पूछ लूँ कि अगर बिजनेस और रूल्स में यह है कि आप तख्तियां लेकर के नहीं आएंगे, प्ले कार्ड लेके नहीं आएंगे, पाल साहब आप कभी तख्ती लेके गए कि आज वही तख्ती लेकर के राज्यसभा में सारे सांसद खड़े हैं इनके, आज इनके सारे सांसद राज्यसभा में तख्ती लेकर के खड़े हैं, मैं चश्मदीद गवा रहा हूँ, आप विजुअल निकलवा लीजिए, सारे सांसद इनके खड़े हैं। इमरान जी और किस बात पर, किस बात का प्ले कार्ड लेके लोग खड़े थे कि महंगाई पर बात करिए? महंगाई पर बात नहीं करना चाहते आप, अगर आप महंगाई पर बात करने के लिए तैयार हैं आप, तो आप विपक्ष को विपक्ष मुक्त करके सदन को थोड़ी बहस करा सकते हैं। इनका ये कहना है कि आज आप तख्ती लेके कभी गए? मैं कभी विधानसभा में, लोकसभा में 28 साल में विधायक रहा, 13 साल से सांसद हूँ, कभी मैं बेल में नहीं गया, कभी मैं तख्ती लेके नहीं। ये तब था जब ये कांग्रेस में हुआ करते थे जगदम्बिका पाल जी, और कांग्रेस कांग्रेस की तहजीब रही है ये, हम कभी भी चेयर का अपमान नहीं करते, जाहिर सी बात है हम ये संस्कार वहीं से आए हैं, ये संस्कार वहीं से आए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा। मैंने मैंने अभी आपसे बहस शुरू होने से पहले कहा कि चलिए आपने एक बौद्धिक व्यक्ति को बुलाया है, मुझे खुशी है इस बात की कि आपने आपने दल छोड़ा है, संस्कार नहीं छोड़े, आपने दल छोड़ा है, संस्कार नहीं छोड़ा है, मुझे खुशी है कि कांग्रेस के संस्कार हैं ये। तहजीब छोड़ दी, अच्छा साहब गए, अभी लोग बेल में जाने लगे, इन्होंने नहीं चलने देना तय कर लिया, क्यों नहीं थे जब पाल साहब आप कह रहे हैं कि इमरान साहब ने वो तहजीब क्यों छोड़ दी, और इमरान साहब कह रहे हैं कि आपने संस्कार अपने नहीं छोड़े, वही संस्कार है आपके पर, आपके जिस तरह से जो तरीका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की है, जिस दिन हम ओथ लेते हैं हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं अपने इलेक्टोरल कॉलेज में, और आज इसीलिए चाहे उनके यहाँ भी मैं था तो विपक्ष में जब आठ राजनीति का कहरा तो पाल साहब ने कांग्रेस से ही सीखा है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उससे इनकार नहीं कर सकते, आप अपने अतीत को छोड़ भाग नहीं सकते अतीत से, और मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने अच्छे संस्कार दिए हैं, जब मैंने कहा ना दल छोड़ा है उन्होंने, संस्कार नहीं छोड़े। मैं अगर उस पार्टी जीतता था तो मैं जनता के प्रति अपने जवाबदेह मानता था, आज चाहे 2009 में भी मैं जीता तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी दायित्व से जिम्मेदारियों से हटा नहीं, अब आज ये सदन नहीं चलने देना, सहयोगी तो हैं लेकिन आप ये बताइए क्या महामहिम राष्ट्रपति, आप सुन लीजिए महामहिम राष्ट्रपति नहीं, दोनों महिलाएं मैं कहना चाहता हूँ, आज उनका क्या दोष है? आज एक महिला है वो भी गरीब, एक आदिवासी संघर्षों से आई हो, जिन्होंने पति खोया हो, बेटों को खो दिया हो, अपने माता पिता को खोया हो, डिप्रेशन में, उनका दोष है कि वो उनके लिए आज चुने जाने के बाद सबसे पहले कांग्रेस का नेता सदन का, और इतनी अमर्यादित भाषा, इतनी बेतुका। देखिए मौसमी जी लगता है कि अच्छी बात कही आपने, आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के, मैं मौसमी जी एक बात कह लूं, महामहिम राष्ट्रपति जी के त्याग और बलिदान को इन्होंने गिनाया, मुझे अच्छी बात है, और पहली आदिवासी महिला है वो देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित कर रही हैं, हम सब उनका स्वागत करते हैं, लेकिन आप उनके त्याग और मर्यादा की दुहाई तो यहाँ दे रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोनिया जी के त्याग और मर्यादा के नाम पर कभी उनको बख्शने की कोशिश की? 75 साल की बीमार महिला को बुला करके जिस तरह एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी उनके बाकायदा पदों पे बैठे हुए नेता जिस तरह से जिस महिला के पति ने इस देश में अपनी जान कुर्बान कर दी, जिनकी सास ने इस देश में अपनी जान कुर्बान कर दी, उनके खिलाफ जब अमर्यादित टिप्पणी होती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक नेता एक शब्द बोलने को तैयार होता है? कम से कम राजनीति में इतनी मर्यादा और इतनी शुचिता, इतनी पवित्रता तो सबको बरकरार रखनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी जी ने जब बयान दिया तो सोनिया जी ने खुद कहा कि उन्होंने ऑलरेडी माफी मांग ली है, उन्होंने माफी मांगते हुए ये बात कह दी कि वो ऑलरेडी बोल चुके हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आज तक कभी कहा? जरा माइक दे दीजिए उनको, आप एक सेकंड अनिशा, ये आप जो समझ रही हैं दोनों तरफ से बात कही जा रही है, तो पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि आप बतौर महिला आपको लगता है कि अधीर रंजन चौधरी को अनकंडीशनली अपोलोजाइज करना चाहिए? उन्होंने अभी बोला कि चूक हो गई और उन्होंने मीडिया को कहा था कि वो डिलीट कर दें, पर अनकंडीशनल अपोलॉजी क्या अधीर रंजन चौधरी को देनी चाहिए जो उन्होंने बोला है? देखिए एज अ वुमन, एक महिला होने के नाते और ये पॉलिटिक्स जिस तरह से खेली जा रही है उस पर मैं बिल्कुल ज़रूर आपकी बात से सहमत हूँ कि अधीर रंजन चौधरी को मीडिया के सामने आके या पार्लियामेंट में कहना चाहिए कि मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन इस महिला के कार्ड को खेल खेल के जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है और पार्लियामेंट सस्पेंड हो गई, बात करने की बजाय काम करने की बजाय जिस तरह से हमारे शो पे भी इस वक्त इतनी लंबी तूतू मैं चल गई, उस पर
एक महिला ही नहीं, एक सिटीजन होने के नाते मैं सवाल पूछूंगी कि साहब आपको महिलाओं की इतनी ही इज्जत है, तो महिलाओं को लेकर जो इतने सारे और मुद्दे हैं आपके पास पार्लियामेंट के पास, उन पर क्यों नहीं कुछ करते? और जहां तक राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी की बात है, हम ये पहले भी एक आध बारी डिस्कशन में बात कर चुके हैं कि क्यों नहीं कोई लैंग्वेज जो हमारी यूज होती है, जो वर्डिंग हम यूज करते हैं, हर जगह मेल डोमिनेटेड लैंग्वेज यूज हो रही है, क्या कोई डिबेट इस पे हो सकती है? लेकिन खैर वो अलग बात है, लेकिन महिला पे, महिला के नाम पर ये जो, जैसे अभी इमरान साहब, अनिशा इसी पे आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है। हाँ, ऐश्वर्या से इसी पे रिएक्शन ले लेते हैं। ऐश्वर्या, हम लोग ये डिबेट कर रहे थे, याद है आपको, जब बात हुई कि एक महिला राष्ट्रपति बनने वाली है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति तो थोड़ा सा अटपटा लगा, सबको ये चुभा, सब महिलाओं को ये चुभा कि कोई एक विशेष एड्रेस होना चाहिए था। मतलब राष्ट्रपति बिल्कुल जेंडर में मैस्कुलिन, जेंडर न्यूट्रल जो है, उसकी दिक्कत वही है कि जेंडर न्यूट्रल जो एक वर्ड है वो अभी से नहीं, कई टाइम से, जो जैसे आपने बोला वाइस, अगर कोई चेयरमैन होता है तो फिर कई जगह उसको चेंज किया जाता है, चेयरपर्सन किया जाता है, या ऐसे बदलाव किया जाता है। लेकिन हाँ, मैं अनिशा की बात से सहमत हूँ कि इतने घंटे जो हैं, जो तूतू में ये हुई, आप सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं, बीजेपी बोलती है कि जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर एक कटाक्ष किया गया, तो एक बार को अगर अधीर रंजन चौधरी एक अपोलॉजी कर देते हैं तो क्या उसके अंदर कुछ दिक्कत हो जाएगी? और अगर बीजेपी इस बात को रहने देती है कि चलिए छोड़िए, ये जो हुआ सो हुआ, अब आगे की बात करते हैं, क्योंकि देखिए जो महंगाई का मुद्दा है वो तो आम जनता का मुद्दा है, ये तो एक बात हुई सेंटिमेंट हर्ट करने की, लेकिन अगर सेंटिमेंट इतने ही हर्ट हैं तो लोगों को तो सड़क पर निकल के आ जाना चाहिए फिर कि देखिए सेंटिमेंट हर्ट हुआ। तो एक तरफ क्या बीजेपी थोड़ा बड़ा दिल नहीं कर सकती है कि चलिए ठीक है जाने दीजिए? नहीं, मामला दरअसल, मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहती हूँ और दर्शकों को, सर एक मिनट बता देते हैं, दर्शकों को भी ये जानने की ज़रूरत है कि टाइम टू टाइम इस तरह से महिला नेताओं नेत्रियों पर लगातार इस तरह से फप्तियाँ और इस तरह की अभद्र टिप्पणियाँ होती आई हैं। आपको याद हो महेश शर्मा ने कहा था कि राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए और प्रियंका गांधी की ओर इशारा करते हुए कि वो पप्पू की पप्पी हैं, उन्होंने कहा था ममता बनर्जी आके कथक करें तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा। मायावती पे कितनी बार अभद्र टिप्पणी, मायावती की बात आपने करी, मौसमी जो फेमस गेस्ट हाउस इंसिडेंट है, जो यूपी की हिस्ट्री में जो एक चीज जो लोगों को याद रहेगी, जो एक कलंक है, जो 1995 में हुआ था गेस्ट हाउस इंसिडेंट, जिसमें ये हो गया था कि बचेंगी मायावती की नहीं बचेंगी, इस पे सवाल उठ गए थे। अगर हम साउथ में जाएं तो जयललिता, वो उनकी जो तमिलनाडु में असेंबली थी उसमें उनकी साड़ी खींची गई, ये हुआ था 1989 में। तो हमने देखा है कि किस तरीके से जो महिला पॉलिटिशियन हैं उन पे समय समय पे कटाक्ष किए जाते हैं, किस तरीके की अभद्र भाषा कई लोग सामने से करते हैं, कई बार क्लोज्ड दरवाजों के पीछे उनके बारे में बात होती है, तो ऐसा पहली बार नहीं है। बिल्कुल, और उस कड़ी में आप और जोड़िए कमलनाथ का, आपको याद है पाल साहब, देखिए मैं कांग्रेस ठीक कहा कि चाहे किसी पार्टी की कोई महिला हो उस पे फप्तियाँ या इस तरह के आरोप बिल्कुल अमर्यादित हैं। बात उन्होंने अभी कहा कि स्टेट गेस्ट हाउस में बचती कि नहीं बचती मायावती, एक बीएसपी की नेत्री थी, और आपने देखा कि वाकई उस समय जो समाजवादी पार्टी के लोग हमला किया था भारतीय जनता पार्टी के, आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के फरखाबाद के नेता नहीं रहे द्विवेदी जी, वही गए थे बचाने के लिए। तो इस तरह से हम कभी भी ये चीज़ अपनी पार्टी में कि कहीं भी किसी महिला की मर्यादा के ख़िलाफ़ कोई बात हो, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने कहा, जैसे आपने कहा कि एक अनकंडीशनल ढंग से उनको एक अपॉलॉजी करनी चाहिए, वो भी नहीं किया, एक डेरिवेटिव ढंग से उन्होंने एक तरीके से जानबूझ करके किया, कहा इसको डिलीट कर दीजिए, अरे भाई आज पार्लियामेंट में खड़े हो जाते, कहते कि मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूँ, ये मेरी जेंडर की, मेरी लैंग्वेज की, मेरी डायलेक्ट की प्रॉब्लम है, या मैं कहता हूँ कि देश की एक राष्ट्रपति जिसको अभी पूरे देश ने चुना और एक संदेश किया कि पहली बार पूरी दुनिया में कि एक गरीब, एक महिला, एक आदिवासी, एक उड़ीसा के जंगलों से संघर्ष करके जीवन में किस तरह से आई, तो अगर सोनिया गांधी ने अपनी रंजन की माफ़ी से खुश नहीं है, ये बताइए ना, माफ़ी मांग ली उन्होंने और क्यों खुश हो? मैं कह रहा हूँ सोनिया गांधी को क्या आज
कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको भाजपा की बेंच पे आना चाहिए था, या जिस तरीके से वहाँ जा करके उन्होंने जो कहा, तो मुझे लगता है कि आज वो भी नहीं करना चाहिए। मुझे हैरत है, जगदम्बिका पाल जी इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मेरी बात सुनिए, इतने वरिष्ठ व्यक्ति हो करके आप महिला अस्मिता और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा महिला अस्मिता के साथ खड़ी है। मुझे आप बताइए, आपकी ही पार्टी के एक विधायक ने एक बेटी का उन्नाव में बलात्कार किया, उस बलात्कारी विधायक से मिलने के लिए आपका सांसद जेल में जाता है, क्या ये झूठ है? कठुआ में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोग उस बलात्कारी के पक्ष में रैलियां निकालते हैं, क्या ये झूठ है? ये सच्चाई है। और अगर आप महिलाओं और महिला अस्मिता की इतनी ही इज्जत करते हैं, तो महंगाई का मुद्दा तो सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए जुड़ा हुआ है। 450 का सिलेंडर 1150 रुपए का मिल रहा है, कौन परेशान हो रहा है? महिलाएं परेशान हो रही है। आपने दूध रोज सुबह दूध जो है जब आ रहा है, तो सबसे पहला आंसू उस दूध में किसका गिर रहा है? महिलाओं का गिर रहा है। तीन बार ईडी तेल महंगा हो गया रसोई का, किसको परेशानी हो रही है? महिलाओं को परेशान। महिलाओं के नाम की आड़ लेकर के आप महंगाई के चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? चर्चा करिए ना, महंगाई कम करिए, चर्चा करिए, क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? कह रहे हैं कि आप दो दिन से हिरासत दे रहे हैं, ईडी में सोनिया गांधी को बुलाया जाता है, आप चर्चा छोड़ के, इनका कहना है कि आप सारे लोग छोड़ के हिरासत में। देखिए, कल मैंने कई टीवी चैनलों की बाइट में बात कही, हम महंगाई पर सदन में बात करना चाहते हैं, आप हमें बात करने का मौका नहीं देते, विपक्ष के किसी व्यक्ति को बोलने का मौका नहीं देते। 267 के तहत लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में नोटिस देता है, माननीय सभापति उपसभापति महोदय पहले से जैसे प्लान करके आए कि नहीं सदन नहीं चलना है, अगले दो मिनट में एक मिनट में सदन स्थगित। अब आप बताइए कि मोहन नारा ना लगाएं, हम अपनी आवाज ना उठाएं? अच्छा, हम जैसे ही महंगाई के मुद्दे पे आवाज उठाते हैं, आप एक साथ 24 आज तीन 27 सांसदों को आप एक साथ निलंबित कर देते हैं। आप मुझे बताइए कि आप पूरा विपक्ष जो है सदन से बाहर भेज करके आप ये कह रहे हैं कि आप बहस करिए? अच्छा, हम सदन में बात करें तो हमें आप सस्पेंड कर देंगे, हम सड़क पे आकर के बात करें तो आप हमें डिटेन कर लेंगे, आप एक साथ 60-60 सांसदों को ले जाएंगे? आप महिला अस्मिता की बात कर रहे हैं? आप महिला अस्मिता की बात कर रहे हैं? दिल्ली की सड़कें गवाह है, ये दिल्ली की सड़कें गवाह है कि कांग्रेस पार्टी के एक सांसद, मौसमी जी सुनिए, कांग्रेस पार्टी की एक महिला सांसद जेबी माथेर को 24 अकबर रोड पर किस तरह दिल्ली पुलिस ने घसीटा, उस समय भारतीय जनता पार्टी कहां थी? आप क्या ये बात भूल गई कि कल हमारी एक सांसद तमिलनाडु की ज्योति मणि को किस तरह से पुलिस ने घसीटा, उनके कपड़े फट गए? आप मुझे बताइए, क्या ये महिला अस्मिता है? महिला अस्मिता की बात करने वाले बताएं मुझे। देखिए, मैं ये कह रही हूँ, सब लोग अपनी बात एक एक करके रखे तो सुनाई भी देगा, और वरना टीवी डिबेट से इतर ये कुछ नहीं होगा। नहीं, ये सरकार का एजेंडा है कि विपक्ष को बोलने ही मत दो, आपको यहाँ भी नहीं बोलने दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको बोल, इमरान भाई माइक वापस दीजिए, आप दोनों से एक दिया। अच्छा सुनिए, ये माइक अच्छा, मौसमी को हमने दिया, आप ऐश्वर्या को नहीं दे रहे थे, आपने माइक को छोड़ा नहीं, लेकिन आप किसी को माइक नहीं दे रहे हैं, ये किसी को माइक नहीं दे रहे हैं। और एक सवाल ऐश्वर्या, एक सवाल पूछ लो, एक सवाल आप रुके, दोनों नेता प्लीज, आप हमारी महिला पत्रकार है, वो आपसे सवाल पूछ रही, वो बड़ी आहत है कि बार बार महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी होती है, हम लोग बड़े संघर्ष से यहाँ पे पहुंचते हैं, आप देखिए कि किस तरह की टिप्पणी होती है, कांग्रेस के नेता कमलनाथ से लेके महेश शर्मा जो भाजपा के नेता, सब पूरे इस मामले में सब बराबर है। पाल साहब और इमरान प्रतापगढ़ी साहब, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, इस मामले में, महिलाओं के मामले में सारी पार्टियां फेल है, जहां तक उनको इज्जत और सम्मान और उनके साथ जो भेदभाव करने की बात है, कहीं ना कहीं आपके नेता ऐसी टिप्पणी करते हैं जिससे कि पता चलता है कि महिलाओं की एक अलग पार्टी होनी चाहिए। अच्छा, ये आप दोनों महिला एकता जिंदाबाद लिखे। अच्छा आप, अच्छा थोड़ा मिजाज बहुत गर्म हो गया है इमरान साहब, नारी शक्ति और भारतीय नारी शक्ति पर आप कुछ कह दीजिए, उसके बाद ऐश्वर्या सवाल पूछे। मैं नेता होने से पहले शायर हूँ, हाँ, और शायरी में तो नारियों को, औरतों को हमेशा सम्मान दिया गया, हमेशा एक तरह से मतलब इज्जत की इंतहा पे रखा गया, तो आप हमसे और कांग्रेस पार्टी के
मौजूदा सारे नेताओं से, मैं उनकी तरफ से भी ये जवाब, भाई अधीर रंजन चौधरी जी बाकायदा आप भी जानते हैं, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बंगाली भाषा में जेंडर का इशू है, आप उनसे शुद्ध हिंदी की उम्मीद नहीं रख सकते। इसी तरह से बहुत सारी और लोकल भाषाएं, मैं बंगाली को लोकल भाषा नहीं कह रहा हूं, लेकिन राज्य की जो भाषाएं हैं उनमें जेंडर को लेकर के बहुत क्लियरिटी नहीं है। कहीं कहीं ऐसा है कि जब अधीर रंजन चौधरी जी खुद भाषण दे रहे होते हैं तो वो पुल्लिंग को भी स्त्रीलिंग में बोल जाते हैं। मैंने कई बार उनके खुद के भाषण में उनके लिए जब खुद का संबोधन है, मैं ऐसा करती, मैं वैसा करती, तो इसको मुद्दा बना करके आप महंगाई के मुद्दे से सच में भाग रहे हैं। महिलाओं की पूरी कांग्रेस पार्टी बहुत इज्जत करती है, मैंने कहा ना, पहली महिला राष्ट्रपति हमने दिया, पहली महिला प्रधानमंत्री हमने दिया, पहली महिला मुख्यमंत्री हमने दिया, इस देश में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके कांग्रेस ने क्या नहीं किया है? पर मेरा ये कहना है, सब लिखते वैसा ही है, सिर्फ मतलब बदल जाते हैं, सरकारें सारी एक जैसी चलती है, सिर्फ वजीर आजम बदल जाते हैं। महिलाओं को लेके सभी सरकारें हों चाहे सभी नेता हों, जो माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है वो नहीं बदली है। पर अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है उनकी सुनते हैं, ये पहली बार नहीं है जब अधीर रंजन चौधरी की हिंदी लड़खड़ाई है और उनको माफ़ी मांगनी पड़ी है या इस तरह से वो बिल्कुल मुसीबतों में घिरे। पूरा कहा उसको कहा ही नहीं जा सकता। सुन लेते हैं कि अधीर रंजन ने क्या कहा और उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि उसको कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। नहीं, आप सुन लीजिए और उसके बाद वो भी सुना दीजिए जो उन्होंने आज वीडियो जारी करके बाकायदा माफी मांगी। बाकायदा उन्होंने, देखिए, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति तो जो भी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो चाहे कोई आदिवासी हो, हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं, हमारे लिए सम्मान और श्रद्धा का एक पद होते हैं। कल हम लोग जब विजय चौक आंदोलन रख, उस समय कई पत्रकारों ने पूछा आप लोग कहाँ जाने का कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनको तुरंत कहा कि राष्ट्रपति जी की घर हम जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। अचानक एक बार राष्ट्रपति निकल चुके, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये राष्ट्रपति राष्ट्रपति के मुद्दे पे इधर उधर कई जगह पे कई सारी चर्चा हो चुके हैं, इसलिए अचानक एक बार ही ये लग निकली। सिर्फ एक बार को एक बार, क्योंकि कल मैं खुद अपना पार्टी की तरफ से प्रेस मीट भी किए हैं उस विजय चौक में। आप देख सकते हैं कि पार्टी की तरफ से जब मुझे कहने का आदेश दिए थे अमर नेता कांग्रेस, मैंने क्या कहा सब देखे। लेकिन उसी समय वो पत्रकार ने मेरे को कहा कि क्या राष्ट्रपति, मैंने कहा देखिए अब इसमें हो सकता है चुप में निकल गया, आप इसको ना दिखाए तो बेहतर होगा, दिखा दिया और इसके लिए बवाल मचा रहे हैं। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार पर लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल गया और इसके लिए बवाल करना, ये बड़ा ताजुब लगते हैं, बड़ा ताजुब इसलिए लगते हैं कि जब बीजेपी पार्टी के पास कोई हमारे खिलाफ बोलने की कुछ नहीं है तो ये ढूंढते हैं कहीं के कोई मसाला ढूंढते हैं और इसको ये बहाना बना के, सिंपली द इश्यू इज ग्रोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, दे आर मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल बाय डिफॉल्ट ओनली वंस। तो आपने सुना कि अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है इस पूरे मसले को लेके, लेकिन बड़ी खबर आ रही है संसद में, आमने सामने थी सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी के बीच और सोनिया गांधी के बीच तीखी टकरार हुई। सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को बोला डोंट टॉक टू मी। संसद में सोनिया ने स्मृति से ये कहा, नाम लेने पर सोनिया ने रमा देवी से आपत्ति जताई। स्मृति ईरानी ने निशाना साधते हुए सोनिया गांधी का नाम लिया था कि अधीर रंजन चौधरी ने सोनिया गांधी के कहने पर इस तरह से देश की राष्ट्रपति को पर अभद्र टिप्पणी की है। बातचीत में स्मृति ईरानी की दखल से सोनिया गांधी नाराज हुई और उन्होंने रमा देवी को इस बारे में आपत्ति जताई।
बड़ी खबर ये भी आ रही है कि लगातार जिस तरह से 2-3 मिनट तक ये कहा सुनी या बहसा बहसी चलती रही, दोनों पक्षों के सांसदों को इस मामले को ख़त्म करना पड़ा, बातचीत को ख़त्म करना पड़ा। दरअसल हुआ ये कि स्मृति ईरानी ने जब ये कहा उसके बाद संसद में हंगामा मच गया और संसद को स्थगित करना पड़ा। बात महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसके बाद सोनिया गांधी रमा देवी के पास गई, उन्होंने कहा कि इस मामले में अधीर रंजन चौधरी ने माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा जब माफ़ी मांग ली है तो मेरा नाम इसमें क्यों लिया जा रहा है। इस पर लोकसभा में 12 बजे सदन को स्थगित होना पड़ा। उसके बाद बीजेपी के सांसद सोनिया गांधी इस्तीफा दो का नारा लगाने लगे। आपको बता दें कि सोनिया गांधी जो है वो सांसद है रायबरेली से और पार्टी की अध्यक्ष है। सोनिया गांधी सदन में बाहर जा रही थी लेकिन नारेबाजी के बीच सोनिया गांधी वापस लौटकर रमा देवी के पास गई और सोनिया गांधी इस बात को लेकर खासा नाराज थी कि उनको इस विवाद में घसीटा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है। आपने सुना कि अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, लेकिन भाजपा सांसद इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच स्मृति ईरानी ने कहा कुछ कहा तो इस पर सोनिया ने जोर से कहा डोंट टॉक टू मी। स्मृति ईरानी कुछ कह रही थी और सोनिया गांधी ने कहा कि डोंट टॉक टू मी। इसके बाद स्मृति और सोनिया गांधी के बीच काफ़ी तीखी तकरार हुई। ये बहस लगभग 2 मिनट तक चली और तमाम सांसदों को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। तो लगातार सियासी पारा संसद में चरम पर है। किस तरह से आप रिएक्ट करेंगे? देखिए मौसमी जी, मैं कह रहा हूं कि यहाँ जगदम्बिका पाल जी बैठे हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, अभी आप खुद कह रही हैं कि अधीर रंजन चौधरी जी ने कोई एक बात कही और उस पर सोनिया गांधी जी का नाम लिया गया, क्या ये सही है? हाँ, ये तो हुआ संसद में। आप इनसे पूछे कि क्या ऐसा ही, और सिर्फ लोकसभा में नहीं हुआ, ये राज्यसभा में भी हुआ। लोकसभा में कही गई किसी व्यक्ति की बात पर आप राज्यसभा में किसी और व्यक्ति के नाम से चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन मैं राज्यसभा में अपनी आंख से देख के आ रहा हूं कि सोनिया गांधी माफी मांगो के नाम के पोस्टर लेकर के भाजपा के सांसद खड़े, क्या ये सही है? एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से बताएं। इस तरह से पोस्टर ले जाना, आप खुद रूलिंग पार्टी के नहीं, आप रोज पार्लियामेंट जाते हैं, पार्लियामेंट में अगर कोई कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से राष्ट्रपति पे एक टिप्पणी की गई, क्या उस सदन में अगर उसको लेकर के, स्वाभाविक है पूरा देश शर्मसार हो रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी को माफ़ी मांगनी चाहिए, अधीर रंजन चौधरी को नेत्री थी, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको कहना चाहिए तो सब बैठ जाएं और ये अनकंडीशनल एक अपोलॉजी नहीं। मेरा मेरा जगदम्बिका पाल जी, मेरा सवाल है, क्या राज्यसभा में ये जायज है, ये उचित है, ये उचित है, ये उचित है? लेकिन उसके बाद उन्होंने ये नहीं करवाया कि अधीर रंजन चौधरी से बिना शर्त माफी मंगवाएं, बल्कि वो अपनी टेबल से वहां आ गई जहां स्मृति ईरानी और रमा देवी खड़ी। जी नहीं, स्मृति ईरानी वहां नहीं खड़ी थी, नहीं खड़ी थी। मेरी भी गौरव गोगोई से बात हुई, वहां नहीं खड़ी थी स्मृति ईरानी जी, बाद में आई। रमा देवी जी एक वरिष्ठ नेत्री है, वो उनसे अगर वो बात कर रही थी तो स्मृति ईरानी जी को आकर के आप देखिए, जगदम्बिका पाल जी आप भी इस बात को मानेंगे, सोनिया गांधी जी की सौम्यता, देखिए आप भी मौजूद था। आपने क्या, अच्छा आपने क्या, आप बताइए आपने क्या देखा? मैंने ये देखा, इन्होंने तो सुना, मैंने तो देखा, मैंने देखा जब सदन में इस बात को लेकर के उठा और लोगों ने कहा उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, तो उस समय सदन में अधीर रंजन के कहने के बजाय अधीर रंजन बेल में आ गए, नेता होकर के बेल में कभी नहीं जाते, ऊपर सीट पर जाने लगे, उनके और मेंबर्स आ गए। उसके बाद जब हाउस एडजर्न हो गया, मैं आज कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, हाउस एडजर्न होने के बाद श्रीमती सोनिया गांधी जहाँ पे स्मृति ईरानी थी, जहाँ पे रमा देवी थी, वहाँ आए, आना चाहिए। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अगर हाउस में कोई उत्तेजना के क्षण हो, जैसे हाउस एडजर्न होता है उसके बाद हाउस में कोई नहीं आता, तो जानबूझ करके वहाँ आना, रमा देवी को कहना या स्मृति ईरानी को, आखिर किस बात की नाराजगी? इसलिए कि राहुल गांधी को उन्होंने हरा दिया अमेठी से।
आपने कह रहे हैं कि राहुल को हराने की नाराजगी। देखिए जगदम्बिका पाल जी, आप कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी में भी थे, आप वहां थे, आप कांग्रेस पार्टी में भी थे, आप इस बात को जानते हैं, आप इस बात को जानते हैं कि सोनिया गांधी जी की सौम्यता, सोनिया गांधी जी जैसी मर्यादित महिला, आप इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। वो कितनी सौम्य है ये पूरा देश जानता है, और कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मेरी बात सुनिए, सदन एडजर्न होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में बात नहीं करते हैं किसी विषय पे? आप सेंट्रल हॉल में मिलकर के सारे नेता एक दूसरे से बात नहीं करते हैं? सब बात करते हैं एक दूसरे से। ऐसे में अगर रमा देवी जी खुद एक वरिष्ठ पुरानी महिला नेता हैं, अगर उनसे सोनिया जी ने जाके कोई बात शुरू की, बात अगर उन्होंने एक तरह से एतराज ही जताया कि हमारा नाम क्यों इसमें लिया जा रहा है, ऐसे में स्मृति ईरानी जी का आ करके उंगली दिखा करके जिस तरह उन्होंने बात की, एक अपनी वरिष्ठ, सोनिया जी तो स्मृति ईरानी जी से बहुत उम्र में काफी बड़ी है ना, ऐसे में उनका भी तो सम्मान है, वरिष्ठता का कोई सम्मान है कि नहीं? अच्छा चलिए, राज्यसभा में क्यों सोनिया गांधी के नाम का पंपलेट लेकर के खड़े हैं आपके लोग, भाजपा के लोग राज्यसभा में? क्या ये नियम, क्या ये नियमानुसार है? नहीं नहीं, क्या ये नियम के अनुसार है? अनिशा और ऐश्वर्या से बात करें, आप दोनों वीडियो क्यों नहीं जारी कर देते पार्टी, आप कांग्रेस पार्टी और आप बीजेपी पार्टी, आप लोग वीडियो निकाल दीजिए। वीडियो जारी कर चुके जगदम्बिका पाल जी से कही, मैंने आपसे ऐश्वर्या, मैंने आपसे पूछा था कि जो टिप्पणी हुई राष्ट्रपति साहिबा पे, वो सही, आपको कितनी अनकंडीशनल अपॉलॉजी देनी चाहिए कि नहीं? मेरा ये सवाल है कि क्यों नहीं अधीर रंजन जी कह देते हैं कि भाई मैंने जो भी कहा, भले ही गलती से कहा, वो बहुत गलत था, मैं माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने माफ़ी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, जिसको बीजेपी भुना रही है। दूसरा, क्या आपको लगता है कि भाजपा इसको इसलिए भुना रही है क्योंकि महंगाई का मसला बहुत चरम पर है और लगातार पूरा विपक्ष एकजुट हो गया? ये तो ऐसी बात होती है कि जब, पहली बात, एक बार आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हम घर के अंदर भी कुछ अगर नोकझोंक होती है तो लोग माफ़ी मांग लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको तो मेरे हिसाब से, इसको अगर कांग्रेस और बुनाना चाहे तो उल्टा करिए, प्रेस को बुलाइए, सबके सामने वो अनकंडीशनल अपॉलोजी आप दे दीजिए कि स्लिप ऑफ टंग। लेकिन दूसरी बात, आप अगर बड़ा दिल, चलिए भारतीय जनता पार्टी रख ले, एक बार को भारतीय जनता पार्टी बड़ा दिल रख सकती है और ये किया जा सकता है कि ठीक है आपका स्लिप ऑफ टंग हुआ, चलिए अब आपका असली मुद्दा जो था उस पर हम बहस करते हैं। ये तो बात वैसी हुई कि जब बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो रात भर भगवान से प्रे करता है कि कुछ हो जाए कुछ हो जाए, अगले दिन खूब झमाझम बारिश होती है, स्कूल कैंसिल हो जाता है, तो ये बात होती है कि ये तो चलो बढ़िया ही हुआ, ये तो करना ही नहीं था, ये तो मुद्दा हमारी गोदी में आके गिर गया। अब आज ऑलमोस्ट 2 बज चुका है, कुछ और घंटे का बचा है सदन, वो सत्र ऐसे ही निकल जाएगा, आज तो खत्म। अनिशा, सदन में अपॉलॉजी मांग रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी तो पद पे भी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, तो भाजपा की मांग है कि सदन में वो अपॉलोजाइज करें, और अब तो ये बात आ गई कि सोनिया गांधी भी इस्तीफा दे। देखिए, अब सोनिया गांधी इस्तीफा दे या वो इस्तीफा दे या फलाना इस्तीफा दे, ये मेरे हिसाब से जिस तरह से हम सदन की सारी कार्रवाई को देख रहे हैं, ये साफ, जैसे ऐश्वर्या भी कह रही थी कि बच्चा प्रे कर रहा है कि भैया बारिश हो जाए ताकि स्कूल ना जाना पड़े, क्योंकि बात ये है कि आप लोग जब इशू मुद्दा उठा है, हर महिला, हर नेता, हर पार्टी ये चाहती है कि हाँ जी अधीर रंजन साहब माफ़ी मांग लें, माफ़ी मांगिए, आप सदन में मांगिए या वीडियो जारी करके मांगिए, लेकिन माफ़ी ज़रूर मांगिए, लेकिन सदन का काम तो होने दीजिए, सदन का काम तो होना। मैं एक बात पूछ लूं, अब चले जाए, महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ टिप्पणी किया हो और ऐसी टिप्पणी हो जिससे पूरे देश में आज लोगों में उत्तेजना हो गई हो, तो क्या सदन चल रहा है? नहीं, सदन चल रहा है, सदन का सत्र चल रहा है, तो उनका उनका बड़प्पन कम हो जाएगा सदन के सत्र में? नाम पे उत्तेजना इनको नहीं दिखाई देती, क्यों वीडियो जारी करके नाम पे लोगों की परेशानी इनको नहीं दिखाई देती, लेकिन उस मुद्दे के आगे गाड़ी के आगे काट रखने का काम उन्होंने किया। एक अवधि में कहावत है गाड़ी के आगे काट रखना, उस गाड़ी के आगे काट रख दीजिए, सांसदों को निलंबित कर दीजिए, और उसके बाद विपक्ष मुक्त संसद करके आप महंगाई पे बहस कर लीजिए, चित भी आपकी, पट भी आपकी, आप चर्चा मत करिए, आप पूरे विपक्ष को सदन से निलंबित कर दीजिए, संवैधानिक पद के राष्ट्रपति, बात मत होने दीजिए, चर्चा मत होने दीजिए, आप सबको निलंबित कर दीजिए। साहब, आप ये बताइए, आपकी पार्टी कब तक अधीर रंजन चौधरी के लिए सफाई देगी? नहीं, यही वो जगह है मौसमी जी, यही वो जगह है जहां उन्होंने बाइट देते हुए उनसे ये एक तरह से मैं गलती, हालांकि उनकी लोक भाषा का मसला है, लेकिन आपको लगता है गलती हुई? नहीं, वो उनकी लोक भाषा का मसला है, फिर भी मैं उसे गलती मानता हूँ, उसे मैं मानता हूँ गलती है, मैं उसे गलती मानता हूँ। अरे तो आपके मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं कहा था? क्या क्या नहीं कहा है मोदी जी ने? जर्सी गाय नहीं कहा था मोदी जी ने? क्या क्या नहीं कहा है?
मुंह मत खुलवाइए जगदम्बिका पाल जी, क्या क्या नहीं कहा है, महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है हमें पता है, महिलाओं के प्रति आपकी पार्टी कितना सम्मान प्रदर्शन करती है ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये जाने दीजिए, लेकिन आज जो अधीर रंजन ने किया पूरा देश देख रहा है, खुलेगी तो हजारों बातें खुल के, कितना सम्मान करते हैं महिलाओं का हमें पता है। मैं क्रॉस फायर में फंस जाती हूँ, ये पूरा डिस्कशन है, डिबेट नहीं है। यहाँ पे आप अपनी बात कहिए शालीनता से और आप अपनी बात कहिए शालीनता से। मैं ये मैंने देखिए मौसमी जी, मैं बहुत विनम्रता से ये बात कह रहा हूँ, मैं बहुत मेरी बात सुन, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, जगदम्बिका पाल ने यही वो जगह है, यही वो जगह है। आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का झगड़ा हो, नहीं चाहते ना, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं और बड़ी मुश्किल से मशक्कत से मौसम अच्छा करते हैं, सियासी मौसम भी अच्छा करते हैं और एक तरीके से सभ्य रूप से चर्चा करते हैं, क्योंकि संसद में तो मौसमी जी यही वो जगह है जहां पर अधीर रंजन चौधरी जी ने बाइट देते हुए वो बात कही थी, उनसे गलती हुई, आप साथ में थे, हम लोग सब नारे लगा रहे थे। अब उसके बाद आप दिखाइए यही पीछे, यही वो जगह है, उसके बाद हुई थी, अब आप कह रहे हैं वो सदन में माफी मांगे, वो कह रहे हैं सदन में माफी, बात उन्होंने बाहर कही, माफी मांगे सदन में, भाई उन्होंने एक चैनल को बाइट देते हुए कहा, फिर एक वीडियो जारी करके माफी मांग लिया। अच्छा, एक बात हो गई, अब आप सत्ता में हैं, आप सत्ता में हैं, हम कह रहे सदन में महंगाई पे चर्चा से क्या जाता है, नहीं मतलब मैं कह रही मेरा सवाल है, सदन में महंगाई पे चर्चा से 9 दिन से क्यों नहीं चर्चा, 9 दिन से चर्चा क्यों नहीं कर रहे, 9 दिन से चर्चा क्यों नहीं कर रहे, क्यों 27 सांसदों को निलंबित कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों महंगाई के खिलाफ ही तो बोल रहे थे इमरान साहब, आप बार बार एक आप कुल 18 सिटिंग है, 32 विधेयक है, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं सदन चलाना, लेकिन विपक्ष का कोई दायित्व तो नहीं है। जब पहले दिन से डे वन से उन्होंने कहा संसदीय कार्य मंत्री ने कि हम महंगाई पे नहीं, हर विषय पे जो आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कर रहे हैं, कल तो उन्होंने ये भी कह दिया कि निर्मला सीतारमन जी आ गई, आज ही चर्चा करा लीजिए। मैं इमरान साहब से पूछ रहा हूँ कि कल तो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा स्पीकर साहब से और कहा आज ही चर्चा करा लीजिए, मैं भी लोकसभा मैं राज्यसभा में मौजूद था, निर्मला जी हमारी राज्यसभा में आके बैठी हुई थी, 267 के तहत हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन ने जब ये कहा कि 267 पे चर्चा करिए, सदन नहीं चला, स्थगित कर दिया गया, तुरंत स्थगित कर दिया। आप कह रहे हैं कि हम चर्चा कराने को तैयार हैं, चर्चा कराने को तैयार हैं तो कराइए ना चर्चा, हम कहां भाग रहे, हमारा तो पहले दिन से नारा यही है कि महंगाई पर चर्चा करिए, देश की जनता को लूट रही है सरकार, अगर वित्त मंत्री जी कह देते हैं कि मैं प्याज नहीं खाती तो मैं प्याज का रेट क्या जानूं, तो इससे काम नहीं चलेगा, आपको सदन में महंगाई पे बात करनी पड़ेगी। नहीं मैं आप निलंबित 27 को किया है, सबको कर दीजिए, हम तैयार हैं, लेकिन हम महंगाई पे चर्चा करवा के रहेंगे। नहीं, नहीं, मेरा ये कहना है, ईडी इनसे पूछ रही है, इनके नेताओं से, उस पे रोज उनको वहां जाना ईडी ऑफिस पे, इसलिए सदन खुद नहीं चलने देना चाहता। कांग्रेस पार्टी पहले ईडी आप एजेंसियों का दुरुपयोग करिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज क्यों है, पहले आपने कहां कंफ्यूज है, इमरान साहब मैं आपको, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे हर नारे के मौसमी जी सुनिए, हमारे हर नारे, नहीं मैं आपको हर नारे का वीडियो उठा के दूंगा, महंगाई पे चर्चा हो, जीएसटी पे चर्चा हो, अग्निपथ पे चर्चा हो, एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करो, विपक्ष के सांसदों का सस्पेंशन रद्द करो, ये हमारे 4-5 प्रमुख नारे हैं। जब सोनिया गांधी को पहले दिन बुलाया गया था तो बिल्कुल बकायदा तमाम सांसदों ने मार्च किया था, जिसको मैंने कवर किया था। हम बिल्कुल हम मार्च करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आप 75 साल की एक बीमार महिला को प्रताड़ित करने के लिए आप एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे, आप एजेंसी, इमरान साहब रिपीटिंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, एक सेकंड, वही बात, आप कितनी साल की महिला, एक बार आप बोलिए, कोई नया वैल्यू एडिशन हो तो कीजिए, बार बार वही चीज रिपीट करना जोर से डजंट मेक यू राइट। मैं मेरा ये मतलब कहना है, और मैं संसद कवर करती हूँ, मैं जिम्मेदारी से ये कह सकती हूँ कि जिस दिन पहले दिन सोनिया गांधी को बुलाया गया था, उस दिन आप तमाम सांसद, और आपकी बाइट भी मैंने की थी, तमाम सांसदों की बाइट की थी, मैं उस बस में सवार थी जो संसद से आपको कांग्रेस हेडक्वार्टर ले गई थी, आपकी तख्तियाँ, आपका बैनर सब ईडी पर केंद्रित था, और तमाम विपक्षी दलों ने भी आम आदमी पार्टी और तृणमूल को छोड़ के आपसे सहयोग जताया था और से हस्ताक्षर किए थे। नहीं, आप मौसमी जी, हम बिल्कुल एग्री करते हैं, इस देश में एजेंसियों का जितना दुरुपयोग है उस पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, उसके खिलाफ मोर्चा भी निकलना चाहिए, निकलना भी चाहिए। मुद्दा महंगा, नहीं, एक दिन हमारा मुद्दा, आप 8 दिन हमारे मुद्दे को नहीं देख रहे, एक दिन हमारा, हमारे 7 दिन के नारे नहीं देख रही हैं आप। सदन कब से शुरू हुआ है, सदन कब से शुरू हुआ मौसमी जी, सदन कब से शुरू हुआ है, विपक्ष
पक्ष इसी सदन कब से शुरू हुआ? सत्ता पक्ष इसी को भुला सदन कब से शुरू हुआ? सदन कब से शुरू हुआ है आप मुझे बताएं? सदन शुरू जब से दो हफ्ते हो गए सदन को शुरू हुए। तो ईडी का नोटिस किस दिन था? 23 तारीख को था। उससे पहले हमारे नारे क्या थे? महंगाई थे। क्यों नहीं महंगाई पे चर्चा हो रही है? एजेंसियों के दुरुपयोग पे अगर हम नारा लगाएं तो क्यों ना लगाएं? आप एजेंसियों के ईडी का क्या काम रहा है आपने देखा नहीं है? कौन नहीं आरोप लगा रहा है? पिछले 6-7 साल में ईडी ने क्या किया है आप बताइए? हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ जांच नहीं होगी, मुकुल रॉय के खिलाफ जांच नहीं होगी। अब ईडी पे बहस शुरू करें हम? नहीं, ईडी पे बहस नहीं करते पाल साहब। महिलाओं पे बहस हो रही है, महिलाओं की टिप्पणी पे बहस हो रही है पूरे सर। सुप्रीम कोर्ट ने ही कानून व्यवस्था को लेकर आपकी सरकारों पे क्या क्या टिप्पणी की है, कभी आप उस पर बात करते हैं? मैं अपने आप को म्यूट कर दूंगी। अनीशा आप बोलिए। सर हम सवाल बस 5 मिनट सर, हम सर आपके नारों से बिल्कुल मौका दिया है। अनीशा आप बताइए, होनी चाहिए अनीशा, आपको ऑनलाइन टाइम कितना गया इस पूरे डिबेट में? पता नहीं, ज्यादातर अनीशा जो है फिर इनका हाल वही हो गया है कि पीछे से आवाज लगा रही है, कोई सुनने वाला नहीं। अनीशा आप बोलिए। बात यही हो रही है कि जिस तरह से हमारे आज के बुलेटिन में शोर मचा है ना, मुद्दे से भटक के 500 और चीजों पर एक दूसरे पर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, तू मैं करना, जनता नहीं चाहती ये जनता। आपको समझ में आया किसने माफी मांगी या महिला का क्या मुद्दा? सवाल ये है, सवाल ये है कि जनता, इमरान साहब, हम जनता यही चाहती है कि महंगाई पर बात हो, जनता ये चाहती है कि विधेयक पास हो, जनता ये चाहती है कि काम हो पार्लियामेंट में। और रोज जो 12 बजे में और इस पूरे मसले पर ये क्या बात होती है? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों भुना रहे हैं, सारी सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पूरे मसले पर फेल हो रहे हैं। आप तू मैं करते रहिए, एक दूसरे पर उंगली उठाते रहिए, जिनके घर शीशे पर के होते हैं दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते। विपक्ष की भूमिका है जनता के मुद्दों को सदन में उठाना, सड़क में उठाना। हम दोनों जगह उठाएंगे, आप वहां हमें सस्पेंड करेंगे, हम सड़क पर आएंगे, आप हमें यहां डिटेन करेंगे, हम शाम को फिर छूट के आएंगे, अगले दिन फिर सदन में आएंगे, फिर चिल्लाएंगे। हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है, जनता के मुद्दे पर सदन के अंदर सड़क पर चीखना चिल्लाना बात करना। अगर इस राजनीति को आप गलत मानते हैं तो हम इस राजनीति को सीना ठोक के करेंगे, क्योंकि हम यही राजनीति करने नकार में आए हैं। अगर विपक्ष का काम करेंगे तो देश की जनता समझ गई है, यही है कि वो जनता के मुद्दों पर बात करे, इनके सदन से जुड़े हुए सड़क हो, हम करेंगे। क्योंकि सदन शुरू होने जा रहा है, सत्ता पक्ष को पता है कि थोड़ी देर में अटेंड करा देंगे, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियां समझ रहा हूं, इसलिए मुझे जाना है, मैं सदन के लिए निकल रहा हूं। आप सबसे बहुत माफी चाहता हूं, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मैं दोबारा फिर आऊंगा। सर एक सेकंड, एक मिनट, अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे। सर एक सेकंड, अनीशा एक सेकंड, आप जाने वाले हैं संसद में, तमाम महिला सांसद है, क्योंकि एक सेकंड सर, संसद में तमाम महिला सांसद है, और क्योंकि महिलाओं पर यह बात हो रही है, अपने महिला सांसदों के सम्मान में आप कुछ कह के जाए और उनको बोले का। देखिए, अब बोले दीजिए उनको। मैं इस बात को शिद्दत से मानता हूं कि बेटी हमारे लिए रहमत है, बहन शफकत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, महिला यानी कि औरत इस पूरी कायनात के लिए सबसे सम्मानित, मेरा अपना मानना है। लेकिन आप गाड़ी के आगे काठ मत रखिए, आप मुद्दे को भटकाइए मत। अधीर रंजन चौधरी जी ने एक बात कही, उन्होंने माफी भी मांग ली। अब चलिए सदन में महंगाई पे चर्चा करते हैं। तो कैसे आप जवाब घुलेगी? आप जवाब दीजिए। नहीं, दरअसल ये देखिए, ये महंगाई पे बात नहीं करना चाहते हो। किसी का एक शेर है कि गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। दरअसल इन्हें बातें क्या थी, हम गरीबी मिटाएंगे, गरीब मिटा रहे हैं, दरअसल गरीब मिटाए जा रहे हैं। लोगों के वो जो रोजमर्रा के खाने वाली चीजें थी, आपने आटा, चावल, दाल, सरसों का तेल, रसोई का तेल, पेट्रोल डीजल तो बहुत बड़ी बात है, सिलेंडर 450 से 1150, क्या नहीं महंगा कर दिया, किस चीज में आग नहीं लगी हुई है। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। जनता वही पुराने दिन चाहती है जिसमें दाल और सब्जी बहुत सस्ती थी, कम से कम 2 जून की रोटी तो मुहैया हो जाती थी। आपने 2 जून की रोटी के लिए आटे पर भी जीएसटी लगा दी, शर्मनाक है ये। सदन में आपको जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद। दोस्ती का हाथ तो बढ़ा के जाइए।
दोस्ती का हाथ बढ़ाते शुरू से कह रहा हूँ, हमारे पुराने व्यक्ति हैं, कल को फिर लौट करके आएंगे, हम उनका स्वागत भी करेंगे, आपसे जवाब भी लूंगी, आपके वरिष्ठ हैं, मैं इनका हमारे वरिष्ठ हैं, उनका सम्मान करते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो चंद अच्छे लोग हैं उनमें से जगदम्बिका पाल जी एक जरूर है। तहजीब है उत्तर प्रदेश की, आप दोनों नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं ये डिस्कशन ऐसे क्लोज नहीं करूंगी। आप कुछ कह दीजिए यूपी की सियासत पे और जगदम्बिका पाल जैसे जो पुराने सरीखे उनके सरीखे के नेता हैं उनके। नहीं, जगदम्बिका पाल जी से मेरा अनुरोध है कि आप जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, छोड़िए सत्ता पक्ष की राजनीति, आइए चलिए सदन में दोनों लोग मिल करके गरीबों के लिए बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष भी इस बात का ध्यान रखे कि अगर विपक्ष महंगाई की बात कर रहा है तो गलत क्या कर रहा है, इसमें गलत क्या है, आप भी आइए महंगाई। सरकार का दायित्व तो किसके प्रति है, जनता के प्रति ना, जवाबदेही हमारी आपकी किसके प्रति है, जनता के प्रति ना। आप कह नहीं रहे, आप शायरी की बात कर रहे हैं। अब आप लोगों से इतना कहा, उन्होंने सियासी जवाब दिया, लेकिन मेरा सुन लीजिए, जाने के पहले वो सुन लें, कह रहे पुराने दिन लौटा दें। पुराने दिन वही थे कि जब गांव में कोई अपने राशन की दुकान पर जाता था तो उसको ब्लैक लेना पड़ता था। आज 2 साल से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, चावल, चना, नमक मुफ्त मिल रहा है कोविड में, और 75,000 करोड़ खर्च हो रहा है हर साल आज जनता को देने के। और सुनिए, इतना नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया पर परिवार को, चाहे अकलियत का हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो। आज ये पुराने दिन, आज इस दिन में सबको आवास मिल रहा है, सबको शौचालय मिल रहा है, सबको 2 साल की कोविड के लॉकडाउन के बावजूद खाना मुफ्त मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये दिन अच्छे हैं, इसीलिए देखिए जिन राज्यों में आज चुनाव हो रहा है वहाँ से कांग्रेस मुक्त होती जा रही है। और एक दिन कांग्रेस मुक्त। देखिए मौसमी जी, मैं क्लोज ही कर रहा हूँ, जगदम्बिका पाल जी कोविड की बहुत सारी बात बता रहे हैं, जिस सरकार ने लोगों को एक एक सांस के लिए तरसा दिया, ऑक्सीजन नहीं दिया, वो सरकार कह रही है कि हमने चना और गेहूं और चावल दिया। सांसें बांटना जिस समय जरूरी था, उस समय हमारे यूथ कांग्रेस के लोग सांसें बांट रहे थे, और आप दुहाई दे रहे हैं कि हमने बहुत बात किया। मैं इलाहाबाद से आता हूं, आप कोविड में गेहूं, चना और वो देख रहे थे, आटा देख रहे थे। मैं इलाहाबाद से आता हूं, मैं गंगा के किनारे गंगा जी में बहती हुई लाशें देख रहा था, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। जिन किनारों पे बैठ के, घाटों पे बैठ के मैंने कविताएं लिखी थी, उन्हीं किनारों पे मैंने सैकड़ों सैकड़ों लाशें बहती हुई देखी हैं। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी कोविड की बात ना करे, कोविड के दौरान जो उनका प्रबंधन था उस पर थूथू पूरी दुनिया कर रही है, नासा की तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी है। अब मैं ये अंत में कह रहा हूँ जगदम्बिका पाल जी से, मैं अंत में कह रहा हूँ, वही पुराने दिन जब आप हमारे साथी हुआ करते थे, हम उन्हीं पुराने दिनों की बात कर रहे हैं। आज सब पुरानी बातें छोड़िए, आइए चलिए सदन में चलते हैं, महंगाई पे बात करते हैं, दोनों लोग मिलके इस बात के लिए सरकार को मजबूत। भाई हम कह रहे हैं कैसे सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की जितनी आपकी नहीं है, आपकी नहीं है, आपकी नहीं है, आपकी नहीं है, हमारी है, आपके सांसद हमारी है, आपके सांसद, आपके सांसद चलने दे रहे हैं सदन। अच्छा, हम आप क्यों नहीं चला रहे, आप बताइए। राज्यसभा में सोनिया जी के खिलाफ जब स्लोगन लेकर के, पंपलेट लेकर के खड़े हुए सांसदों के बारे में आप बताएं, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन, आप बताइए आपका जवाब क्या है। हमें दर्द नहीं हो रहा, जब से डिबेट शुरू हुआ केवल एक बात, महंगाई महंगाई सदन में चर्चा। आपके लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, हमारे आपके लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, पहले दिन से देश ये बात सुने कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, ये आपके शरीर का एक एक खून निचोड़ लेना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि महंगाई पर चर्चा हो, लेकिन हम सब चाहते हैं कि महंगाई पर चर्चा हो। अगर महंगाई पे संसद में चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी, निशाना कहीं और है, कहां होगी महंगाई, तो बहाना है, महंगाई बहाना निशाना इनका सोनिया गांधी पे, सदन में क्या सिर्फ मोदी जी की तारीफ होगी, नहीं मोदी जी की तारीफ नहीं होगी, सिर्फ मोदी जी की तारीफ नहीं होगी, जनता के मुद्दों पर बात होगी, जनता के मुद्दों पे बात होगी, करना पड़ेगा। धन्यवाद। नहीं इमरान साहब, मैं कह रही हूँ आपने गंगा किनारे का, सदन में नहीं जाना, मुझे जाना है जल्दी से। गंगा किनारे का आपने जिक्र किया था, आपके सारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, वो आपके चाहने वाले भी आपको देख रहे हैं, आपने गंगा किनारे कविताओं का जिक्र किया, मिठास से इसको क्लोज किया जाए, और जनता के लिए आप कुछ कह दीजिए जो आपके व्यूअर्स। मैंने तो गंगा जी के तट पे बैठ करके और संगम पे बैठ करके, जहाँ गंगा गंगा और जमुना के संगम से अदृश्य सरस्वती उपजती हैं, बड़ी मिठास है, आप बस महसूस नहीं कर पा रहे, आपको शुगर ज्यादा हो गई है मुझे लग रहा है, इसलिए आप महसूस नहीं कर पा रहे। मेरी 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 मैंने वहीं बैठ के 4 पंक्तियां लिखी थी कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके,
प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। मैंने ये पंक्तियां जहां बैठ के लिखी थी, मैंने वहीं पर लाशें बहती हुई देखी हैं। ये मेरी पीड़ा है, ये देश के हर व्यक्ति की पीड़ा है। ठीक है, मुद्दों में आप कितना भी उलझा लीजिए चीजों को, गाड़ी के आगे काट रख लीजिए, लेकिन महंगाई भाजपा के लिए मुद्दा नहीं होगी, विपक्ष के लिए मुद्दा है और हम इसे लगातार मुद्दा बनाए रखेंगे। धन्यवाद, इसी पर हम क्लोज करते हैं क्योंकि कहते हैं शुक्रिया शुक्रिया, उनको जाना है, 2 बजे का वक्त है, हंगामा खूब बरपा है। और जगदम्बिका पाल साहब, अनीशा और इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ जुड़े, कहते हैं राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है और मंत्री ने भी कहा रात है, मगर ये सुबह सुबह की बात है और सियासत भी कुछ इसी तरह से हो रही है। न्यूज़ तक के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, कल मिलेंगे एक बार फिर से, देखते रहिए न्यूज़ तक। चलो लंच करें।